नमस्ते, आज के ये सेशन में हम लोग तट्टा आडव के थर्ड एंड फोर्थ स्टेप चतुष्र जाति के प्रयोग के साथ सीखेंगे। लेसन नंबर 6 में हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 किया। आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आप भरतनाट्यम शुरुआत करो तभी आपको नमस्कार करना जरूरी रहेगा। नमस्कार फिर से एक बार मैं याद करवा देती हूँ। धड़ा भूख तक कभी को तक कभी गिनना हो अभी तट्ट आडव का थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वन टाइम राइट और वन टाइम लेफ्ट स्टैम्प किया। सेकेंड नंबर पे टू टाइम्स राइट और टू टाइम्स लेफ्ट स्टैम्प किया। और अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग थ्री टाइम्स राइट और थ्री टाइम्स लेफ्ट करेंगे। बेसिक पोजिशन अराई मंडी और उसी में ही आपको प्रॉपर टेक्निक से उसको फॉलो करना है। आपका बॉडी लाइनअप सौष्ठवांग पीछे इस तरह की मुद्रा ये रहेगी और अराई मंडी हाफ सिटिंग दोनों घुटने साइड में शोल्डर लाइन साइड में चिन अप और जो एल्बो पॉइंट है वो और नीज का एक लाइनअप करेगा। थर्ड स्टेप From your right side, one count, right, one, two, three. कितने तक का होल्ड आएगा क्योंकि चतुष्र जाति पे हम कर रहे हैं तो चार मात्रा में हमको तीन काउंट लगाया तो एक खाली छोड़ना रहेगा। खाली one, two, three, एक खाली। फिर से मैं समझा रही हूँ या कई खाली पे हम कितने तक बोलते हैं कितने तक कई या कई या कई कितने तक कई या कई या कई कितने तक कई या कई या कई। और एक बात ध्यान रखनी है करते करते ऐसे बॉडी अप डाउन नहीं होना चाहिए। बॉडी लाइनअप एंड बैलेंस वेस्ट भी कई या ये मूवमेंट्स भी नहीं होना चाहिए। अपर लिम्स आपका बैलेंसिंग रहेगा। ओनली लेग्स की मूवमेंट है और पाँव को जैसे मैं हर बार बताती हूँ पूरा उठा के ये पाँव आगे भी नहीं आने चाहिए। पूरी लाइन बना के वन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको ये आडवू करना रहेगा। दूसरी बात आपको लॉजिक समझना है। हम लोग चतुष्र जाति मतलब सारे आडवूस 4-4 काउंटिंग के बैलेंस में कर रहे हैं। इसके लिए 1, 2, 3 और एक खाली है जिसमें हम किट्टे तक बोलते हैं जिसमें आपको कोई भी पांव को स्टैंप नहीं करना है। और भरतनाट्यम के सारे आडवूस तीनों लय में करने होते हैं फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड थर्ड स्पीड। तो ये था तट्ट आडव का थर्ड स्टेप की इंफॉर्मेशन। और अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेप प्रॉपरली विलंबित मध्य द्रुत मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्पीड के साथ कैसे किया जाता है। थर्ड स्टेप तट्ट आडव या, या, या,
अब हम लोग देखेंगे तट्टा आडम का फोर्थ स्टेप. फर्स्ट स्टेप वन टाइम, सेकेंड स्टेप टू टाइम स्टैम्प्स, थर्ड स्टेप थ्री टाइम स्टैम्प्स, सो फोर्थ स्टेप फोर्थ टाइम. राइट साइड फोर टाइम, लेफ्ट साइड फोर टाइम. एक चीज आपकी नॉलेज के लिए कि हम लोग जाति फॉलो कर रहे हैं, काउंटिंग फॉलो कर रहे हैं चार चार. सो हमारे स्टेप के काउंट भी चार है, तो चार राइट और चार लेफ्ट कंटिन्यू चलेगा. फोर टाइम राइट फोर टाइम लेफ्ट. किस तरह से करना है, वापस नाट्य पे बेसिक पोस्चर अरई मंडी में आपको अपनी अरई मंडी लेना है. दूसरी बार ये काम करते करते इतना गैप नहीं बनना चाहिए, जैसे कि वन टू थ्री वो नहीं होना चाहिए. आप मिरर के सामने लेके खुद को बैलेंस कर सकते हो. मैक्सिमम आप दो पाम के बीच में फोर फिंगर्स जितना गैप, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है. तो आपको वो ध्यान रखना है कि करते करते पाँव भी नहीं खुलने चाहिए, बॉडी अप डाउन भी नहीं होने चाहिए. चीन अप, हैंड पोजिशन और ओनली लेग मूवमेंट, नो वेस्ट मूवमेंट. फोर्थ स्टेप वन टू थ्री फोर. अब ये करेंगे हम लोग सेम लेफ्ट साइड, वन टू थ्री फोर. इतना आपको बॉडी को पकड़ के रखना है. अब मैं तट्टा आडम्बर के बोल के साथ फोर्थ स्टेप कैसे किया जाएगा वो पहले एक बार दिखाऊंगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे विलंबित मध्य ध्रुतर तीनों लय में फोर्थ स्टेप कैसे किया जाएगा. पहले मैं आपको एक बार डेमो देती हूँ बोल के साथ. अब ये स्टेप हमको, मैंने आपको विलंबित मतलब फर्स्ट स्पीड में दिखाया, अब उसको हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड स्पीड में. एक दूसरी रिक्वेस्ट है सबको, जो लोग मार्गम के पेज को फॉलो कर रहे हैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में सिखाएंगे, पैरेलल आपको उसका डिस्क्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा. और जो आप इसको फॉलो करके सीख रहे हो तो आप अपना प्रैक्टिस किया हुआ वीडियो हमारे ईमेल आईडी पे आप मेल करोगे तो हम आपको करेक्शन करके आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी दे पाएंगे. तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद खुद का वीडियो भी मेल आईडी पे हमको मेल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी ईमेल आईडी रहेगी, तो जिसमें आप प्लीज़ मेल कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक तरीके से आप सीखोगे उनसे बेटर है कि आपका प्रैक्टिस किया हुआ हमको पता चलेगा, तो हम आपकी कोई गलती भी हो तो भी हम करेक्ट कर पाएंगे. थैंक यू. फोर्थ स्टेप तट्टा आडम. Yeah. Okay.